और कैसे सुनिश्चित करेंगे सभी बच्चों को वैक्सीन समय पर और जल्दी मिल जाए? मुंबई में 15 साल से 18 साल के बच्चों को हमने वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू किया है। इसमें करीब मुंबई शहर में रहने वाले करीब 9 लाख बच्चे पात्र हो सकते हैं और उनके लिए हमने पहले चरण में हमने 9 जंबो सेंटर को तैयार रखा है। हर जंबो सेंटर पे आज शुरू हो चुका है। पहले सप्ताह में हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, उसमें कुछ अगर एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो उसके बाद में हमारी पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट नहीं आया तो हम बाकी जो सेंटर हमारे करीबन 4.5 सेंटर है वहाँ पर भी हमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है स्कूल या स्कूलों का ग्रुप, इसमें भी हमारा कैंप लगाने की मंशा है। अगर हमको स्कूल अथॉरिटी ने सहकार्य किया और सिचुएशन ठीक ठाक रही तो निश्चित रूप से उस स्कूल में भी हम करने का हमारा पूरा इरादा है। इस 9 लाख लोगों को हमको 28 दिन में पूरा करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। 28 दिनों बाद में जब सेकंड डोज भी हो जाएगा तो सेकंड डोज देने में हमको कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वैसा हमने नियोजन किया है और उस मुताबिक हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे। सर, मुंबई में जिस प्रकार से पूरे उसके लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या आप निर्देश देना चाहेंगे? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन परमानेंट जो कर्फ्यू वगैरह लगा है उसको परमानेंट विचार किया जा रहा है आने वाले समय के लिए? अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। आज भी तकरीबन 8,000 व्यक्ति संक्रमित पाए जाएंगे ऐसा हमारा अंदेशा है। हमने प्रिवेंटिव एक्शन और तैयारी दोनों भी हमने रखी है। प्रिवेंटिव में टेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करना, जो होम क्वारंटाइन में है, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन पर ध्यान रखना, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का भी टेस्टिंग करना, होम क्वारंटाइन का भी 7 दिन बाद में टेस्टिंग करना, ऐसा हमने जोर दिया है। उसके साथ में भी हमारे पास करीब 30,000 बेड आज हमारे तैयार है। 30,000 में से 3,000 बेड ऑक्यूपाइड है, 90% बेड खाली है। लेकिन ये तैयारी का ये मतलब नहीं है कि हम सभी पे मतलब कोई चिंता ना करें। सबने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है, अंतर बनाए रखना है, ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हमको पूरा आह्वान है हमको जनता को कि अभी तक उन्होंने सहकार्य किया है, आगे भी सहकार्य अगर रहता है तो निश्चित रूप से हमें तीसरी लहर, जो संभावित तीसरी लहर कही जा रही है, उसको हम रोकने में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर।